हेलो फ्रेंड्स, तो इस टाइम हम हैं श्रीनगर में और यहाँ से हम जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पर। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। इस टाइम सुबह के 11:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सूरज हमें बिल्कुल चांद की तरह दिखाई दे रहा है और बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। AC लगा रखा है तो अंदर से जो शीशे हैं उनके ऊपर फॉग जमा हो रही है। और देखिए सूरज कैसा आपको दिख रहा है, सुबह के 11:30 बज चुके हैं इस टाइम। बहुत ही सुंदर ये जगह है और यहाँ के देखिए जो मार्केट है या घर है, बहुत खूबसूरत हैं यहाँ के घर और बड़े बड़े घर लोगों ने बना रखे हैं। रोड भी आगे बहुत अच्छे हैं और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं फ्लाईओवर भी है और श्रीनगर एक स्मार्ट सिटी बन रही है, तो यहाँ पर उसी तरह से डेवलपमेंट भी हो रही है। देखिए यहाँ पर यहाँ हमें रुकना पड़ा है थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहाँ पे जाम लग चुका था। और यहाँ मैं वीडियो जो है वो फास्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएँ। सब तरफ यहाँ पर सारे पत्ते जो हैं पेड़ों के वो गिर चुके हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, चिनार के पेड़ हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं, सेब है, नाशपाती है यहाँ पर। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। ये सेम रोड जो है ये गुलमर्ग के लिए जाता है। गुलमर्ग से पहले ही एक जो स्टेशन पड़ता है दैट इज़ टंगमर्ग, छोटा सा एक टाउन है, उसके बाद हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो टंगमर्ग से ही हम लोग टर्न करेंगे। टंगमर्ग जो है वो श्रीनगर से लगभग 37 किलोमीटर दूर है और 37 किलोमीटर टंगमर्ग है तो उसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है वहाँ से 4 किलोमीटर आगे। और अगर आपको श्रीनगर कैसे पहुँचना है ये सारी डिटेल्स जाननी है तो मैं पहले ही कई वीडियोस बना चुकी हूँ इसके बारे में। सोनमर्ग की वीडियो है या बोटैनिकल गार्डन या डल लेक की वीडियो है, तो उन वीडियोस में आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि बाय एयर आप कैसे आ सकते हैं या बाय रोड अगर आपको आना है तो श्रीनगर जम्मू से कैसे आप आ सकते हैं। यहाँ से अच्छी खासी टैक्सीज जो हैं अवेलेबल होते हैं, कहीं भी जाना हो आपको टैक्सीज अवेलेबल हो जाएंगी। ठंड है, ठंड की वजह से आपको पूरा इंतजाम करके चलना चाहिए। और ये देखिए ये हम टंगमर्ग के पास पहुँचने वाले हैं। इस टाइम सूरज अभी भी वैसा ही है, आज हमें धूप कम ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर साइड में जो आपको बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो आपको वॉलनट के पेड़ दिखाई देंगे। यहाँ पर पॉपुलर के पेड़ हैं जो लंबे लंबे हैं, वो पॉपुलर के पेड़ हैं। जो आपको ज़्यादा राउंड दिख रहे हैं वो है वॉलनट के पेड़। यहाँ चेरी बेल्ट इसको कहा जाता है क्योंकि टंगमर्ग और बारामूला जो बेल्ट है तो वहाँ पर बहुत सारी चेरी होती है। अगर आप अप्रैल मई या जून में आते हैं तो आपको उस टाइम चेरीज अच्छी खासी यहाँ देखने को मिलेंगी। इस टाइम ड्राई सीज़न है, ठंड है, तो इस वजह से जो पत्ते वगैरह झड़ चुके हैं तो आपको ज़्यादा पहचान नहीं लगेगी कौन सा पेड़ चेरी का है कौन सा पेड़ वॉलनट का है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं तो उस टाइम सारे पत्ते होते हैं। यहाँ पर ये देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे एप्पल के बगीचे हैं पीछे, और छोटे छोटे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो एप्पल के पेड़ हैं। ये बहुत सारे बड़े बड़े बगीचे यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। हम लोग टंगमर्ग पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड पर आप गाड़ी रोक भी सकते हो, वहाँ से आप राइडर्स भी ले सकते हो। और अगर आप अपनी गाड़ी में जाना चाहते हैं तो वहाँ से आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। यहाँ की बात ले लें या किसी भी हिल स्टेशन की बात ले लें तो आप जब भी कहीं जाने का प्रोग्राम बनाए पहले से अपनी बुकिंग्स करा के चलें क्योंकि हिल स्टेशन्स हैं। और जो सीज़न है इस टाइम तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के साथ ये मस्जिद है। यहाँ से हमने टर्न लिया है और ये टर्न हम ले रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। बहुत ही खूबसूरत है डेस्टिनेशन और वहाँ पर पहुँचकर आपको लगेगा कि हाँ मैं सचमुच ही एक ऐसी जगह की बात कर रही हूँ, तो बहुत ही खुश है। देख लीजिए ये जो है व्यू, ये नीचे टंगमर्ग का गाँव है। यहाँ सारी बहुत सारी चेरीज होती हैं और बहुत ही प्यारा है यहाँ का व्यू। ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बेशक आज हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रही है लेकिन ठंड उतनी ही ज़्यादा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत है। और ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ये बर्फ़,
दिखाई दे रहा है, एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली पाइप्स जो है, पाइप यहाँ से लीक हो रही है। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी आइसिकल्स बन चुकी हैं बर्फ की, ऊपर को जैसे फाउंटेन की वाटर ड्रॉप्स पड़ती हैं तो उसी से आइसिकल्स बन चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ को बर्फ की टहनियाँ लग गई हैं, बर्फ की टहनियों से ही पेड़ बन चुका है यहाँ पर। इस टाइम बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और ये यहाँ पर हिली एरिया है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर देवदार के हैं और काफ़ी टर्न्स भी हैं यहाँ पर। रोड थोड़ी नैरो है और लेकिन बहुत हमें मज़ा आ रहा है। देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं। आपने नोटिस किया होगा कि पहले हमें पेड़ों पर पत्ते दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर सभी पेड़ों पर आपको लगभग पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये जो है सदाबहार पेड़ है। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं द्रंग, जो फिरोजपुर नाला के ऊपर एक वाटरफॉल है। फिरोजपुर नाला आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। जो वाटरफॉल है वो सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये है हमारी डेस्टिनेशन। वाह, कितनी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि हम सच में कहीं स्वर्ग के किसी झरने के पास हों। बहुत खूबसूरत है, सचमुच ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शिव जी भगवान की जटाओं से गंगा जो है, दूध की गंगा बहती हुई नीचे आ रही है। बहुत ही प्यारा है यहाँ पर ये दृश्य। और ये लोहे का पुल है जिसके ऊपर इस टाइम हमारी गाड़ी चल रही है। ये है लोहे का ब्रिज है और बहुत आवाज़ इसमें आ रही है। ये देखिए जो आपको रेड कलर का घर दिख रहा है, ये है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो प्रोजेक्ट है। यहीं पर सारे टर्बाइंस वगैरह की सेटअप है और यहीं पर बिजली बनती है। 3.3 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। तो यहाँ हम ढूंढ रहे हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करें, तो हमें जगह मिल गई है गाड़ी पार्क करने की। और अब हम लोग चल रहे हैं पैदल और इस झरने के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATV बाइक्स हैं जो आराम से रेंट पर आपको टंगमर्ग से मिल जाते हैं। और ये पूरा राउंड यहाँ तक और ऊपर भी एक डेस्टिनेशन वहाँ तक का 1000 या 700 तक अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पास ही पांडवों के द्वारा बनाए गए शिव मंदिर के अवशेष भी हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। जब भी आप गुलमर्ग का प्रोग्राम बनाएं तो भूल कर भी इस डेस्टिनेशन को मिस मत कीजिएगा। ये सचमुच बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, स्वर्ग का नज़ारा बोल सकते हैं। आप इंजॉय कीजिए।
फ्रेंड्स, आपको द्रंग का फ्रोजन वाटरफॉल कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वहाँ पर हमने काफ़ी इंजॉय किया, बहुत ठंड थी, हमने आग भी सेकी, फिर टंगबर्ग में आकर के हमने खाना खाया और फिर हम लौट चले घर की ओर।